नाम है आपका? सचिन कुमार। क्या करते हैं आप? मैं इधर प्रहरी अखबार का संपादक हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई है कि जो मैं 17 तारीख को घर जा रहा था, 17 तारीख को घर जा रहा था मैं, मेरा बड़ा भाई, हम अपने अखबार का काम निपटा के घर जा रहे थे। तो एच ब्लॉक में, H51 में कुछ जो हैं लोग रहते हैं, जो लड़के हैं, जो यंग थे उसके हैं, और उसमें से कुछ जो है जेब भी आते जाते रहते हैं इसमें। तो जब हम जा रहे थे वहाँ, तो गाड़ी के सामने खाट बिछाकर कुछ लोग वहाँ पर थे। जब खाट बिछाकर हमने, मेरे भाई ने उनको 4-6 बार हॉर्न दिया, उन्होंने खाट नहीं हटाई, वो वहाँ से नहीं उठे, और सीधा गाड़ी से, सीधा वहाँ पे गाड़ी से हमारे भाई को, नवनीत कुमार को जो है, और मुझको भी गाड़ी से बाहर निकाल कर मारना पीटना शुरू कर दिया, और बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने, डंडा लाठियों से मारा। और उसमें उसके बाद हमें, उन्हें छुड़वाने हमारी, मेरी बीवी और हमारे भाई की बीवी आ रही थी, तो उन्होंने जैसे ही बचाव करने की कोशिश करी, तो उसमें से एक बंदे ने, जो मयंक है, उसने हमारी भाभी को झपट्टा मारा और चैन खींच के भग गया। और उसके बाद में हम आए थाने में, हमने कार्रवाई की। अब हम मेडिकल भी हो, हमारे जो है मेडिकल वहाँ होने के बावजूद हमारा मेडिकल दबा लिया गया और उसका जो है वहाँ लगा दिया गया। फिर हमें 151 में अगले दिन 18 तारीख का चालान कर दिया गया। जब चालान किया तो मयंक नाम के लड़के को जो है थाने से ही वापस भेज दिया गया और हमको 151 में भेज दिया गया। एक पक्ष की कार्रवाई करी पुलिस ने, दोनों पक्ष की कार्रवाई नहीं की। फिर हम 151 के चालान से आ गए, तो उन्होंने कहा कि जो हम तुझे बताते हैं, पुलिस तो हमारी जेब में है, हम तेरे को जो है मुकदमे, झूठे मुकदमे में दर्ज करवा के हम तुझको फंसा देंगे। तो उन्होंने झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया। उनकी कुछ साठ गांठ है कुछ लोगों से, वो मुझे पता नहीं है किसके साथ है, पर वो हमें कुछ नहीं समझते। और आजकल तो मेरे पीछे जानलेवा हमला की कोशिश की जा रही है, मेरी गाड़ी का भी पीछा किया जा रहा है, और मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ। अब आप थाने पे आए हैं, अब क्या चाहते हैं? अब मैं थाने में SHO साहब को, मैंने जो है पूरा स्टेटमेंट दिया, अभी SHO साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम जो अरेस्टिंग उनकी हो जाएगी।